शहीद कैप्टन की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी, अहमद नाम के शख्स ने किया भद्दा कमेंट, टूट गई सोशल मीडिया की मर्यादा, दिल्ली पुलिस सिखाएगी सबक। आमतौर पर सोशल मीडिया पर हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी है। आपका जो कंटेंट देखने का मन है वो आप देख सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जो दूसरों को ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते, पर शायद उनकी सोच इतनी शैतानी हो चुकी है कि वो किस पर क्या कमेंट कर रहे हैं इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा पाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं। एक शहीद की पत्नी को लेकर भद्दी टिप्पणी करना इनकी अश्लील सोच को साफ दर्शाता है। सवाल तो ये भी उठता है कि जब कांग्रेस नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने जिस वक्त शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मुलाकात की, उस समय शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी पर हुई अभद्र टिप्पणी का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठ चुका था। NCW चीफ रेखा शर्मा ने टिप्पणी करने वाले शख्स अहमद पर FIR करने की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कह दी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस पर मौन है, जैसे मानो उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मानो बस दिखावे के लिए कैप्टन अंशुमन के परिवार से मिलने चले गए थे। कैप्टन अंशुमन की पत्नी पर क्या हुई भद्दी टिप्पणी, NCW ने क्या किया एक्शन और दिल्ली पुलिस अब क्या लेगी एक्शन, इन सभी सवालों पर वीडियो में आगे विस्तार से बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सबसे पहले आप ये कुछ भद्दी टिप्पणी देख लीजिए जो शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी पर की गई है। इन कमेंट से लोगों की मानसिकता साफ दिख रही है। एक तरफ कैप्टन अंशुमन देश के लिए शहीद हो गए और दूसरी तरफ उनकी पत्नी को हौसला देने के बजाय लोग इतनी भद्दी बातें बोल रहे हैं कि सोचना तो दूर, इसे बोला भी नहीं जा सकता। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त जान गंवाने वाले भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा। जैसे ही कीर्ति चक्र देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई कैप्टन अंशुमन की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। इतनी कम उम्र में विधवा हुई स्मृति के प्रति भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनकी वाइफ स्मृति सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अब इस मामले में राष्ट्रीय या महिला आयोग NCW भी सक्रिय हो गया है। NCW ने अभी एक शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और बाकियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। अहमद के नाम के एक्स हैंडल ने अंशुमन सिंह की वाइफ पर भद्दी टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस शख्स को लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इसका कमेंट सोशल मीडिया पर आपकी तरफ फैलने लगा, तभी राष्ट्रीय या महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता कानून? राष्ट्र महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य को दंडित करने का प्रावधान करती है। कानून के अनुसार पहली बार की महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को 3 साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है। कैसे शहीद हुए कैप्टन अंशुमन? कैप्टन अंशुमन सिंह पिछले साल जुलाई महीने में सियाचिन ग्लेशियर में 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड में हॉस्पिटल में रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। ये आग भारतीय सेना के गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इससे कई जवान आग में फंस गए। कप्तान अंशुमन सिंह अपनी जान की परवाह किए बगैर ही साथियों को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने 3 जवानों को सुरक्षित बचाया, लेकिन वो खुद आग में बुरी तरह झुलस गए थे। अंशुमन सिंह को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद स्मृति सिंह ने पति कैप्टन अंशुमन सिंह के बारे में बताते हुए कहा
कि वो बहुत काबिल थे। वो मुझसे कहा करते थे कि मैं अपने सीने में पीतल लेकर मरूंगा, मैं कोई साधारण मौत नहीं मरूंगा। अपनी प्रेम कहानी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की, हम अपने कॉलेज के पहले ही दिन से एक दूसरे से मिले थे। ये कोई नाटकीय बात नहीं है, लेकिन ये पहली नज़र का प्यार था। एक महीने बाद उनका चयन आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया। वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके बाद हम 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे और फिर हमने सोचा कि अब हम शादी कर लेंगे, जिसके बाद हमने शादी भी कर ली। स्मृति ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि शादी के कुछ ही महीनों के बाद ये दिन आ जाएगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और माँ को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपेंगी। इसके बाद राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मुलाकात तो कर ली, लेकिन अभी तक इतने गंभीर मुद्दे पर शांत हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी शांत है। अभी तक कांग्रेस पार्टी या कह लीजिए विपक्ष की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। साथ ही साइबर सेल और दिल्ली पुलिस की यह परीक्षा है कि जल्द से जल्द शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को ढूंढ निकाल लिया जाए। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से मुलाकात की। सिंह की मां ने बाद में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में नहीं बांटने का आग्रह किया। शहीद कैप्टन की मां ने यह अपील ऐसे समय में की कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। इस सब के बीच ये भी जान लेते हैं कि सोशल साइट्स पर गलत कमेंट करना कितना महंगा पड़ सकता है। सोशल साइट्स का इस्तेमाल करने में सावधानी नहीं रखने पर जेल भी हो सकती है। आईटी एक्ट में बकायदा 2 धाराओं के तहत कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। साइबर सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। सोशल साइट्स फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और मोबाइल का प्रयोग हर उम्र के लोग करते हैं, इसीलिए सबको ये जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन उन्हें आईटी एक्ट की धारा 66 व 67 के बारे में जानकारी नहीं है। इसके तहत अलग अलग अपराधों का वर्गीकरण कर उनकी सजा निर्धारित की गई है। अनजान लोग कई बार फेसबुक या ट्विटर पर आपत्तिजनक कमेंट्स कर देते हैं, ऐसे में अगर शिकायत होती है तो आईटी एक्ट के तहत सजा के रूप में जेल हो सकती है। कंप्यूटर व मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी के खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी भेजने, ऐसे जानकारी जिसका मकसद किसी को परेशान करने, चिढ़ाना या बाधा डालना हो, तो ऐसे में आरोप साबित होने पर जुर्माना तो लगता ही है, साथ ही 3 साल तक सजा भी हो सकती है। लेकिन इस एक्ट की एक खामी यह भी है कि कमेंट आपत्तिजनक है या नहीं, इसकी व्याख्या इस कानून में नहीं की गई है। इसके निर्धारण का अधिकार पुलिस को दिया गया है। धारा 66 के तहत सोशल साइट पर आपराधिक गतिविधि का प्रचार प्रसार कर किसी को परेशान करना आदि है। धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को पब्लिश करना, फैलाना इन सब से जुड़ा हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।